बच्चों, आज कक्षा नौवीं में के गणित में आज पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए बच्चों, ये आपको स्क्रीन पर चित्र जो दिखाई दे रहे हैं, त्रिभुज, ये त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज, आयत, वर्ग, ये सारे जो है इसके एग्जाम्पल हैं। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न ये देखेंगे। एक त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल होगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, क्योंकि त्रिभुज में त्रिभुज बनाते हैं, देखिए इसमें आधार और ऊंचाई, ऊंचाई हो गई और आधार जो है वो आधार और ऊंचाई, ठीक। तो ये फॉर्मूला हो, अब आधार दिया है 6 सेंटीमीटर ऊंचाई दी है 5 सेंटीमीटर, सॉल्व करेंगे 1/2 × 5, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं, दो इसका टेबल पढ़ेंगे, ठीक है। तो 2 × 6 और 2 × 1, शेष संख्या बचेगी 1 × 3 × 5। जब इसको हम गुणा करेंगे 1 और 3 का 3 आएगा, 3 × 5 करेंगे तो क्या आएगा, 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। स्क्वायर इसलिए लिखा जाता है क्योंकि इसमें आधार और ऊंचाई इसमें 2 है, ठीक। अब ये तो विकल्प ए जो है इसका उत्तर होगा 15 सेंटीमीटर, ये उत्तर सही है, ठीक। दूसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट देखते हैं। एक समांतर चतुर्भुज का आधार 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल होगा। तो सेम 5 × 4 करेंगे, आधार गुणा ऊंचाई। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा आधार गुणा ऊंचाई, ठीक। आधार और ऊंचाई को का गुणा करेंगे तो 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसलिए विकल्प बी सही है। तीसरा क्वेश्चन, एक समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज क्षेत्रफल में समान है और एक ही आधार पर स्थित है। यदि समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज की ऊंचाई होगी। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। पहले लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 × आधार × ऊंचाई बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन के अनुसार समान है, तो ये होगा त्रिभुज की ऊंचाई। ऊंचाई बराबर हल करेंगे इसको तो ये आधार और आधार कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और त्रिभुज की ऊंचाई होगा 2 × समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई, ठीक। अतः 2 × समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई दी गई है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर दोनों को गुणा करेंगे 2 × 2 = 4 सेंटीमीटर, ठीक। अतः विकल्प ए सही है। इंपॉर्टेंट खालिस्तान देखते हैं। पहला है त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का कितना होता है, आधा होता है। पहले का उत्तर। सेकेंड, किसी आकृति का तलीय क्षेत्र का परिमाण या माप उस आकृति का कहलाता है क्षेत्रफल। थर्ड, एक ही आधार और बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज एक ही खलिस्तान के बीच स्थित होते हैं। उत्तर ऐसा समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं।
रेखा, चार त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को खाली स्थान वाले दो त्रिभुजों में व्यक्त करती है। कसाई होता है बराबर क्षेत्रफल। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो त्रिभुजों के आधार क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के हैं। यदि उनकी ऊंचाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ज्ञात करेंगे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, क्योंकि आधार जो है वो इसको कहते हैं और ऊंचाई जो है वो ये। अब 1/2 8 इंटू 6, अब इसमें चेंज कैंसिल करते हैं, 2 और 2 चार बार होगा, 6 1 4 और 6 तीनों को क्रमशः गुणा करेंगे तो आएगा 24 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गया आपके पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, अब आप निकालेंगे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो 6 × 8 करेंगे, वो भी 24 वर्ग सेंटीमीटर होता है। अतः दोनों जो त्रिभुज के क्षेत्रफल के जो अनुपात है वो आ जाएगा पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बाय दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल का उत्तर आया है 24 और दूसरे का भी 24 आया। दोनों को कैंसिल करेंगे या भागित करेंगे तो क्या आएगा 1/1 यानी 1। अतः दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 1:1 है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। सेकंड, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। होती हैं चित्र बनाइए। क्वेश्चन 4, समांतर चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? भुजाओं के नाम लिखिए। चलिए स्टूडेंट, तो ये आपका होमवर्क हुआ। आपको जो चित्र बनाएंगे बहुत स्वच्छ और नामांकित बनाएंगे, पेंसिल से बनाएंगे, अगर ना बने तो उसकी प्रैक्टिस करेंगे और फिर उस चित्र को सही बनाएंगे और सेंड करेंगे। थैंक यू सो मच।